लगता है एक्सीडेंट हुआ पीछे। तो भाई राइड शुरू हुआ नहीं, गड़बड़ शुरू हो गया है और क्रेजी रिएक्शन देख रहे हो यार, क्या बात है क्या बात है। अरे भाई स्वागत है आपका फिर से इस ब्रांड न्यू वीडियो में और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मैं काफ़ी नए लोगों के साथ राइड करने वाला हूँ, तो ये लोग सब ऑलरेडी पहुँचा हुआ है, तो लेट्स सी। तो भाई यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं, तो यहाँ से निकला जाए अब। तो राइडर्स ऑफ रांची के साथ मेरा ये फर्स्ट राइड होने वाला है। तो ये हमारा लास्ट स्टॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर रहा है, एक दो बाइकर और आएगा शायद, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। धूप तो बड़ा तेज़ है भाई। सो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद अपन निकल चुके हैं। देखो यही होता है यार, बड़े ग्रुप में डिले तो होता है, ग्रुप जितना छोटा उतना पंचुअलिटी रहेगा। और सुबह सुबह क्या ही मज़ा आ रहा है यार, हल्का हल्का ठंडा लग रहा है और हल्का हल्का धूप लग रहा है, दोनों मिक्स होके सुसुम बन जा रहा है। और बहुत ही क्रूजिंग स्पीड में जा रहे हैं यार, कोई रश नहीं। लगता है एक्सीडेंट हुआ पीछे, पूरा रील उल बनते जा रहा है ये राइड में। इसी के साथ ही अपन पहुंच चुके हैं टोल गेट। पता नहीं भाई ये रास्ता जब आओ तब के तब ऐसे ही रहता है, ये वन वे बना देता है इसे, और क्या ही कर रहा है इस रोड में। तो भाई राइड शुरू हुआ नहीं, गड़बड़ शुरू हो गया है। कार तो देख रहे हो, अब हम ही उनमें चढ़ रहे हैं रास्ता में, तुम लोग जरा पहले से पता है तुम लोग कैसे चलना है, उसके बाद भी क्या खत्म हो गया ये भी। अच्छा ये नंबर प्लेट भी खोल देते हैं, हम तो बोल रहे हैं। तो वैसे अभी तक अपन ने बताया नहीं, तो अपन लोग जा रहे हैं भाई विजयगिरी डैम, जो कि है भाई चांडिल डैम से 20-30 किलोमीटर पहले। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो ये डैम हमेशा हम दूसरों को दिखाने के लिए हर बार जाते हैं, एक बार खुद का एक्सप्लोर करने के लिए गए और बाकी टाइम हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए गए हैं, और ये साल में पहली बार जा रहे हैं। ओ भाई साइन उन करवा रहा है क्या, ऑटोग्राफ? अरे भाई ऑटोग्राफ सब ले रहा है क्या, रियली? मैं अपना फ़ोन कुछ ज़्यादा दूर छोड़ दिया हूँ, और क्रेजी रिएक्शन देख रहे हो यार, क्या बात है क्या बात है। और भाई साहब रिएक्शन तो देखो, ब्लेज व्लॉग्स। पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है इस रोड पे, और यहाँ से शुरू होगा स्पीड लेन, तो मैं यहाँ पे भगा के देखता हूँ अगर ये लोग मुझे जगह होगा दे दिया तो। पूरा का पूरा स्ट्रेट रहेगा यहाँ पे आगे में, सो लेट्स पुल।
और यहाँ से दिखा रहा है 13 किलोमीटर और हमें लगने वाला है 20 मिनट। शाम का टाइम इस रोड पे सनसेट काफ़ी सुंदर होता है, तो मे भी अगर हम लोग थोड़ा टाइम लेके आएंगे तो शायद सनसेट भी हमें देखने को मिले। तो यहाँ से लेना है अपन को राइट, तो यहाँ एक स्टॉप लेंगे। एंड हियर इज द लास्ट स्टॉप। और यहाँ पे जो कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था वो लोग ब्रेकफास्ट कर लिए और अब निकलते हैं यहाँ से। और मैं अब चलाऊंगा भाई 250, लेट्स गो। तो निकलते हैं यार यहाँ से और अपन उस पहाड़ के पीछे जाएंगे अभी, और थोड़ा बहुत ऑफ रोड में दिक्कत ना हो जाए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पे पता नहीं बीच बीच में रास्ता क्यों ख़राब कर दिया है, वो भी थोड़ा थोड़ा, आगे तो ख़राब है ही बट यहाँ भी कर दिया है। और एक्चुअली में ये एक डैम है जिसका नाम है विजयगिरी डैम इस पहाड़ के पीछे। वैसे इधर काफ़ी सारा पहाड़ है और यहाँ से हमारा ऑफ रोड चालू। और सब यहाँ डस्ट उड़ाएगा अभी, तो मैं आगे ही जाता हूँ। अरे भाई क्या बात है भाई, क्या बात है और क्या ही नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। वैसे ये सब जगह तो भर गया लेकिन आगे से जगह है तो अपन नीचे जा सकते हैं। और ये अपन उतार तो रहे हैं, चढ़ाएं कैसे भाई। तो कुछ ऐसा लाइनअप है यार, और कुछ ऐसा नज़ारा इधर का, केरला वाइब्स। One eternity later. तो हमारा फोटोशूट सब हो गया सारा, तो अब हम लोग इस जगह को करते हैं टाटा बाय बाय। फोन है, वॉलेट है, सब कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 घंटा टिका दिए।
तो भाई यहाँ से सब कोई जा रहा है वापस और ये राइड हमारा यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं यार, पसंद आया होगा तो भाई लाइक कर सकते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो मेरे भाई। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक लेटाड़ा भाई भाई और सायोनारा।